आज के आधुनिक युग में हम युवा वर्ग जो खासकर है, युवा वर्ग विदेशियों की तरफ आकर्षित हो रहा है। लेकिन पिछले एक साल से कोरोना महामारी का दंश पूरा विश्व झेल रहा है, जिस कारण विदेश जाने के इच्छुक कई बच्चों के सपने अधूरे रह गए, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी कि बाहर आने और जाने पर प्रतिबंध लग गया था, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो गई थी, कईयों के वीज़ा रद्द हो गए थे। लेकिन अब वो संकट का समय टल चुका है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोगों के मन में अभी तक कुछ शंकाएं हैं कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजें या नहीं। अगर वो भेजते हैं तो कहीं उनका पैसा ब्लॉक ना हो जाए, कहीं उनके बच्चों को डिपोर्ट ना कर दिया जाए। इसके अलावा उनके बच्चों के साथ मेडिकल चेकअप के क्या कंडीशंस हैं फॉरेन कंट्रीज़ की, वहाँ पर जाकर क्वारंटाइन्स के क्या टर्म्स कंडीशंस हैं दूसरे कंट्रीज़ के। यह सारी शंकाएं आज भी लोगों के मन में बनी हुई हैं। सबसे बड़ी शंका अभिभावकों के मन में है कि कहीं उनका बच्चा गलत जगह ना पहुंच जाए। इन सब बातों का और इन सब संशय को दूर करने के लिए आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यूनिवर्सल वीज़ा के फाउंडर असीम सैनी जी। असीम सैनी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। थैंक यू सर। मैं आपको बताऊं, असीम सैनी जी से बात करने से पहले मैं इनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। असीम सैनी जी यूनिवर्सल वीज़ा के फाउंडर हैं। यह खुद ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप में है, ऑस्ट्रेलिया से लाइसेंस हुआ है। इसके अलावा करनाल, दिल्ली, गुड़गांव के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी ब्रांचेज हैं। आईलेट्स और पीटीसी सेंटर ये रन कर रहे हैं। इंग्लिश कंट्रीज में यह है काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए इन के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनके डायरेक्ट कोलेबोरेशन हैं, एसोसिएट्स हैं, ये प्रोफेशनल बॉडीज़ के साथ एफिलेटेड भी हैं। असीम सर, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। जिस तरह की मैंने अब बात करी आपसे, लोगों के मन में, बच्चों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं, राइट? आप इनको दूर करने का प्रयास करें, अभिभावकों को बताइए कि इस समय वो अगर वो अपने बच्चों को भेजते हैं या बच्चे बाहर जाते हैं तो किस कंट्रीज में सेफ हैं और कैसे सेफ हैं, और अब वो जो कोरोना काल का जो समय था, जो टिपिकल पीरियड हम जिसको कह सकते हैं, अब वो टल गया है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। थैंक यू करना चाहता हूँ सबसे पहले तो मैं समाचार न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया स्पेशली इस पर्टिकुलर कॉज के लिए। मेरे कई क्लाइंट्स मैंने भी देखा ओवर द पीरियड मेरे पास आए, और वो थोड़े भयभीत भी हैं, थोड़ा डाउटफुल भी हैं कि अभी कोविड चल रहा है, कोविड के दौरान भाई हमारी क्या पोजीशन होगी, हमारे पैसे ब्लॉक तो नहीं हो जाएंगे। ये भी एक मेन कंसर्न है, ये भी एक मेन कंसर्न है कि कहीं कोई डिडक्शंस ही ना हो जाएं। कनाडा में ये हुआ भी है। तो मैं इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आज कोविड के जो ड्यूरिंग कोविड या आफ्टर कोविड क्या आप लोगों के पास इमिग्रेशन ऑप्शंस होंगे, जिसके अंदर स्टडी अब्रॉड भी आ गया, जिसके अंदर आपके वर्क वीज़ा, पीआर, अदर जो हमारे टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ हैं वो भी आपके आ जाते हैं, ठीक है? तो अब मैं ये सब क्लियर करना चाहता हूँ, सारी पिक्चर को क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस टाइम हमारे पास हम एक ऐसी स्टेज में आ चुके हैं कि जहाँ हमें अब कोविड की वैक्सीनेशंस भी आ रही हैं और हमें ये पता है कि भाई अब बच्चे ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम फ्रेम निकल भी गए हैं, तो अब हम उन्होंने क्या क्या फेस किया, तो जो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, ताकि फ्यूचर आपका भी सिक्योर रहे, आपको भी रहे कि चलो ठीक है, इतना मेरा बजट है, मैं इतने टाइम तक उसको होल्ड कर सकता हूँ, या क्या आगे पोजीशन होने वाली है। तो ये भी मुझे, ये सारी चीज़ें मुझे मेरे रिसेंटली आई मेट फ्यू क्लाइंट्स, मैंने कुछ वेबिनार भी किए थे, सेमिनार्स भी किए थे, तो उसके दौरान भी मुझे कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है। मैं चाह रहा था कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को ब्रॉडकास्ट किया जाए, बताया जाए। अब क्या है कि ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप आईलेट्स और पीटी पे ध्यान दें, क्योंकि आईलेट्स और पीटी की जो वैलिडिटी है वो 2 इयर्स की होती है। तो इस टाइम ना आपको भी स्कूल जाना, या आपके पास एनफ टाइम है कि आप घर बैठ के अपने वेबिनार या किसी अपने जो लोकल आप अपना स्टडी कर रहे हैं, डोमेस्टिक स्टडीज़ कर रहे हैं, आप उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, और आपके पास एनफ टाइम है कि आप आईलेट्स और पीटी पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये टाइम हो सकता है कि अभी कोविड के बाद आपको ना मिले, तो इस और 2 साल की वैलिडिटी भी है, तो आप आईलेट्स अटेंड करें, पीटी अटेंड करें। पीटी भी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो चुका है, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मेरे स्टूडेंट्स का भी है, उन्होंने भी बताया कि पीटी जो है कंपैरेटिवली आसान है आईलेट्स से, और पीटी आप कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, जिसका कंप्यूटर पे हाथ अच्छा है वो पीटी करे। आपने किसी भी कंट्री में जाना है, पीटी इज़ रिकॉग्नाइज्ड। सो
ठीक है, आप आइलेट्स भी करना चाहते हैं, कईयों का प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहता होता है कि भाई मैंने आइलेट्स किया है तो मुझे आसान रहेगा, तो वो आइलेट्स भी कर सकते हैं। मेरा अपना यूनिवर्सल वीज़ा का भी आइलेट्स पीटी सेंटर है, आप हमें विजिट करें, हमें ये भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देंगे, हम आपके फ्री मॉक टेस्ट करवाएंगे, हम आपकी हमारी फ्री कंसल्टेशन भी आपका पाथवे डेवलप करेंगे, ना कि सिर्फ आइलेट्स पीटी के बेस पे सिर्फ स्टडी वीज़ा के लिए, बल्कि आगे वर्क वीज़ा, पीआर, स्टडी वहाँ ऑनशोर कंप्लीट होने के बाद भी, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं लाइसेंस हूँ, प्रिस्क्राइब्ड हूँ मैं, वो सब भी आपके वहीं मेरा ऑफिस भी कर सकता है आपके लिए, वो भी पाथवे मैं खुद ही पर्सनली डेवलप करूँगा। अब ये था एक पार्ट कि आइलेट्स और पीटी को कंसंट्रेट करें, टाइम है हमारे पास। अब दूसरा पार्ट क्या है, कोविड के दौरान जो भी अफेक्ट हुए हैं या अफेक्ट ना हो आगे, कई क्लाइंट्स ने मुझे भी कहा यार मैं तो 6 लाख डाल दूंगा, मैं 10 लाख रुपए डाल दूंगा, मैं 15 लाख रुपए डाल दूंगा, कनाडा में 16-17 लाख का बजट होना चाहिए अगर SDS में जाना है, और ऑस्ट्रेलिया में भी आप लेके चलो 6 मंथ की फ़ीस भी है तो 10 लाख का वहाँ भी बजट चाहिए होता है, तो एक बार तो होल्ड हो ही जाएगा, अगर बॉर्डर जब खुलेंगे तभी आप जा सकते हैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए, तो ये भी कंसर्न है। अब क्या है कि कोई बात नहीं, आप इसको एक पॉजिटिव नोट पे भी देख सकते हैं कि ज़्यादा लोग अभी अप्लाई नहीं कर रहे, कम लोग कर रहे हैं, उन्होंने भी लोकल मार्केट को सस्टेन करना है उन कंट्रीज़ ने, तो मेरा अपना पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है कि आप लोगों के जो जो थोड़े एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं उनके भी वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप वो मार्केट सेगमेंट इस चीज़ को कंसंट्रेट कर सकती है कि ठीक है कोई बात नहीं, 6 महीने 7 महीने 8 महीने बाद बॉर्डर तो खुलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने तो बिल्कुल लीगली और रिटर्न में ये क्लियर है कि अगर आपका वीज़ा मार्च में भी आ जाता है और बॉर्डर हम सितंबर में खोलते हैं या अक्टूबर में खोलते हैं, तो वो जो टाइम फ्रेम आपका लूज़ हो रहा है तो वो आपको फ्री में आगे एक्सटेंड वो मैं कर दूंगा, डिपार्टमेंट ने बोल रखा है और लिखा भी हुआ है, वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर सकता हूँ उनकी गाइडलाइंस। उसी तरह मोस्ट ऑफ दी कंट्री, अब अदर देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इस टाइम बिल्कुल अभी बंद है, तो मैं अभी न्यूजीलैंड को अभी कंसंट्रेट भी नहीं कर रहा, पर कैनेडा के अंदर DLI लिस्ट आ चुकी है, डेजिग्नेटेड लर्निंग लिस्ट है, इसके अंदर जो लोग उस यूनिवर्सिटी कॉलेज जो DLI का पार्ट है उसमें अगर अप्लाई करते हैं तो वो उनकी फ़्लाइट्स खुली हैं, वो जा सकते हैं, उनके जो भी पाथवे हैं वो हम समझा सकते हैं कि आपका मेडिकल हेल्थ चेकअप होगा, ये थर्ड स्टेज का मैं भी आपको बताऊँगा कि मेडिकल हेल्थ चेक, क्वारंटाइन इश्यूज़ जो हैं वो बाद में, कि आप कैनेडा में भी विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, अभी वो खुला है, बॉर्डर्स आर ओपन, और सो एज वीज़ास, सो एज VFS, दोज हु चेक प्रिलिमिनरीज। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका UK साइड, हम इंग्लिश कंट्रीज डील करते हैं तो कनाडा के बाद UK भी आजकल काफ़ी अच्छा चला भी है और अब चलेगा भी, ठीक है थोड़ा रिबाउंड हुआ उनको वायरस से, वो भी इफेक्ट हुए कोविड से, तो उन्होंने भी थोड़ा बॉर्डर बीच में टाइमली रिस्ट्रिक्शन के साथ अभी ओपन कर रखा है कि इतने अपनी इतनी लिमिट है, अभी इतनी सीट्स हैं या ऐसे करके, तो बट स्टिल बॉर्डर्स आर ओपन एंड फ्लाइट्स आर गोइंग उन लोगों के लिए जो UK का वीज़ा आ जाता है उन लोगों के लिए। मैं अभी टूरिस्ट वीज़ा के चैनल को किसी को भी प्रमोट करने को नहीं कहता, ना मैं खुद कर रहा, यस आप वीज़ा डाल सकते हैं, वीज़ाज आर ओपन, टूरिस्ट में ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा ही ओपन रहा है, आप वीज़ा डाल सकते हैं, यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई, बट इवन दो दे प्रोवाइड यू अ वीज़ा, इवन दे ग्रांट यू अ वीज़ा ऑन नंबर ऑफ डिफरेंट ग्राउंड्स ऑन सच सर्कमस्टांसिस, जहाँ आपके क्लोज बाय वहाँ रिलेशंस में रिलेटिव रह रहे हैं तो आपको वो वीज़ा दे देंगे, पर आप फिर अगेन बॉर्डर क्लोज है तो आप कैसे जाएंगे, तो ये चीज़ें भी आपने पहले से प्रिकॉशनरी देखनी है। फिर तीसरा पार्ट आ जाता है हम यूरोप, यूरोप के मोस्ट ऑफ़ दी कंट्रीज़ अभी क्लोज्ड हैं, और कई लोग क्या होता है कि यूरोप को एज ए चैनल यूज़ करते हैं कि किसी ने इटली जाना है या किसी ने लीगली किसी ने पुर्तगाल जाना है, वो भी बहुत ध्यान से प्रिकॉशंस के साथ जाएं, क्योंकि आजकल चाहे वो आपकी शेनिगन कंट्री का हम एंट्री भी आपकी करवा दें, पर ज़रूरी नहीं है उसी शेनिगन में दूसरी कंट्री उसको ना एक्सेप्ट करे भी कोविड के अंदर, तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान देना है। तो अभी हम जो आज का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि स्टडी वीज़ा को जो हम प्रमोट कर रहे हैं कि और जो उनके पेरेंट्स हैं जो अभी हेल्ड अप हुए हुए हैं कि हम कैसे बच्चों को भेजें, तो किसको कंसंट्रेट करना है, उन मार्केट सेगमेंट को कंसंट्रेट करना है जिन्हों को लगता है कि मैं एवरेज स्टूडेंट्स हूँ, तो दे कैन असिस्ट, दे कैन फाइंड दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल टू स्टडी अब्रॉड एंड दे हैव बेटर चांसेस देन एवर बिफोर और आफ्टर। और इसके साथ मैं कुछ ऐसे ही बातें भी आपको बताना चाहता हूँ जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, हेल्थ चेक्स के रिलेटेड हैं, किसी भी कंट्री का हो, आपका बिल्कुल कोविड का टेस्ट होगा, ठीक है, और ये भी हो सकता है अगर आपने एक बार हेल्थ चेक कर लिया और उसके बाद आपको जाने में टाइम लगा बॉर्डर के ओपनिंग के बेस पे, तो दोबारा भी आपका हेल्थ चेक होगा और उसके बाद क्वारंटाइन इश्यूज़ भी होंगे,
ये डायरेक्शंस भी हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं आपके, हो सकता है कि आपको हम वो भी आपको चार्ट प्रोवाइड करेंगे कि कौन कौन से होटल एसोसिएटेड हैं एम्बेसी से, इमिग्रेशन से, जो वहाँ जाके आपको वहाँ स्टे करना है 15 दिन का, या अदर अल्टरनेटिव्स क्या हैं, 15 डेज़ का है, 20 डेज़ का है, 25 डेज़ का है, वो गाइडलाइंस भी हम आपको इनिशियली बताएंगे। और अब ये देखना है आपने कि उसमें भी आप कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। पहले हो सकता था आपका 9 लाख का सारा काम हो रहा था, पर अब 1.5 लाख और बढ़ेगा क्योंकि आपका कोविड का भी इश्यू है उसमें, वहाँ जाके जो स्टे करना है। तो ये सारे भी आपको बजट में इश्यूज लेके चलने हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया के लाइसेंस्ड हूँ, प्रिस्क्राइब्ड हूँ, पीआर वगैरह भी मैं करता हूँ, परमानेंट रेजिडेंसी ऑन जनरल स्किल माइग्रेशन बेस्ड, पॉइंट्स बेस्ड होता है। तो उसके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि इट इज़ ओपन, इट हैज़ नेवर बीन क्लोज्ड। कई ऑक्यूपेशंस हैं जो अप एंड डाउन होते हैं, लिस्ट से चले जाते हैं, डिमांडेड लिस्ट से चले जाते हैं, MLTSSL से चले जाते हैं, तो STSL में आ जाते हैं, जहां आप 190 सब क्लास अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट की असिस्टेंस ले सकते हैं, या 491 भी है सब क्लास जो आपको रीजनल असिस्ट करता है। तो ऐसे से करके आप जनरल स्किल माइग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए देर इज़ नो होल्ड अप। यस, परमानेंट रेजिडेंसी के वीज़े भी आ रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंस के लिए तो जैसे इक्विवेलेंट टू ऑस्ट्रेलियन सिटीजन वो तो ट्रैवल भी कर सकते हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया की मैं अभी बात कर रहा हूँ, उनके लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन मेनली टेम्प्रेरी रेजिडेंस के लिए है। पर यह है कि थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि इतने प्लेन, अगर कमर्शियल प्लेन ट्रैवल करेगा तो अगर 10-15 लोग जाएंगे तो ऑब्वियस है उनका वही ट्रैवलिंग का जो कॉस्ट होगा वो एक्सपेंसिव रहेगा। तो ये चीज़ें भी आपने नोटिस में रखनी है। आई थिंक दिस सम्स अप कि आज हमारे यहाँ बैठने का और इनसे बातचीत करने का मेन उद्देश्य यही था कि यूनिवर्सल वीज़ा, मैं सम अप कर रहा हूँ कि यूनिवर्सल वीज़ा ब्रांड है जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में दो जगह लोकेटेड है, सिचुएटेड है, रजिस्टर्ड है, और हम वर्ल्ड वाइड सारी इंग्लिश कंट्रीज़ को टूरिस्ट वीज़ा, बीट फॉर टूरिस्ट वीज़ा, बीट फॉर स्टूडेंट वीज़ा हम डील करते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी, वर्क वीज़ा, जो अदर वीज़ा ऑप्शंस हैं वो मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रिस्क्राइब्ड हूँ, मैं करता हूँ, ऑनशोर भी करता हूँ, ऑफशोर भी करता हूँ। एंड रिगार्डिंग दी होल्ड अप, वो मार्केट सेगमेंट जिन्होंने लगता है कि मैं अभी हम ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हैं, या ज़्यादा हम उन्हें लगता है कि वो डिसएडवांटेज रहे हैं इन पास्ट, वो इसको अपॉर्चुनिटी सीख करके वो दे कैन सीक दिस एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फर्दर। उन लोगों के लिए होल्ड अप ना करें और अप्लाई करें। अदर देन दैट, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन अच्छा किया कि जैसे हेल्थ चेक्स रिलेटेड, कोई भी कंट्री हो, आपका हेल्थ चेक अगर अभी होता है और बॉर्डर बाद में खुलता है, आपका दोबारा हेल्थ चेक भी होगा, हो सकता है यहाँ भी हो सकता है वहाँ जाके भी हो, और आपको क्वारंटाइन के जो ट्रैवलिंग गाइडलाइंस है वो मैं प्रोवाइड करूँगा, ट्रैवलिंग के साथ वहाँ जो स्टे होगा आपका उसमें क्या कॉस्ट होगी, कौन से ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। इट इज़ पार्ट एंड पार्सल। थैंक यू फॉर दिस स्टे। दोस्तों, ये थे हमारे साथ यूनिवर्सल वीज़ा के फाउंडर, जो कि पिछले 12 सालों से इस फील्ड में हैं और हज़ारों बच्चों का भविष्य संवार चुके हैं। अब इन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी कि जो ऐसे बच्चे जिनका कि सपना अधूरा रह गया था विदेश में जाकर पढ़ाई करने का, सेटल होने का, और फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है, कैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ मिल रही हैं, कैसे मेडिकल चेक्स वहाँ होने हैं, कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं, इनकी पूरी जानकारी हमें असीम सैनी साहब ने दी। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सल वीज़ा के फाउंडर हैं। असीम सैनी साहब से मैं एक बार फिर कहूँगा, असीम सैनी साहब, जनता से आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, अगर किसी ने आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो वो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। एनीवन कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, हमारी फ्री कंसल्टेशन भी रहेंगी, उनके पाथवे डेवलप भी हम फ्री करेंगे, और साथ में हम आईलेट्स पीटी के जो मॉक टेस्ट होंगे आप आके देखें, वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, आपको कंफर्टेबल जोन देंगे, आपको लगता है ठीक है हमने आगे प्रोसीड करना है, तभी ओनली एप्लीकेबल चार्जेस। हमें कॉन्टैक्ट किया जा सकता है व्हाट्सएप पे, नॉर्मल कॉल भी की जा सकती है 9996177220। आई रिपीट 9996177220। यस, यू कैन ईमेल अस, यू कैन गूगल अस, आवर वेबसाइट universalvisa.com.au, हमारी ईमेल आईडी है info@universalvisa.com.au। इन चैनल से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देर आर अदर मेजर्स एज वेल, लाइक यूनिवर्सल वीज़ा अगर आप गूगल करें, फेसबुक पे भी हैं हम, इंस्टाग्राम पे भी हम, स्नैपचैट पे भी हैं, जितने भी सोशल मीडिया के इफेक्टिव चैनल्स हैं हम उन सब पे हैं। तो देर इज़ नो वे दैट यू कांट फाइंड अस, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड अस, एंड थैंक यू फॉर दिस डे। दोस्तों, ये थे असीम सैनी साहब, इन्होंने बता दिया कि आप
कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कैसे आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं, कैसे आप विदेश में जाकर अपना करियर बना सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर भी दे दिया, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन है। मैं इसके अलावा इनको विदा करने से पहले इनका एड्रेस आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आप इनके जगह पर जाना चाहते हैं, इनके ऑफिस में जाना चाहते हैं, तो इनका ऑफिस है यूनिवर्सल वीज़ा, SU8 मॉडल टाउन, आसाराम मार्केट। मैं तरुण मदान, यूनिवर्सल वीज़ा के फाउंडर असीम सैनी से एक बार फिर से नमस्कार करता हूँ। सैनी साहब, धन्यवाद बहुत बहुत समाचार एक्सप्रेस में टाइम देने के लिए। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।